हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला है सबसे बड़ा टेस्ट जब इंडिया फेस करेगी अगेंस्ट क्रूएट इन सैफ चैंपियनशिप 2023। जी दोस्तों, अभी तक तो हम लोग टेस्ट नहीं हुए, बट आज होने वाला है सबसे बड़ा टेस्ट अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स क्रूएट इन दिस टूर्नामेंट। हाँ, रैंक जस्टिफाई नहीं करती कि वो लोग कैसे खेलते हैं एंड उनका गेम प्ले कैसा है, बट भाई अगर आप सही में उनका मैच देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाई, जो ओटीएस खान है भाई, उनका क्या कहना है जब उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला था पहली बार इंडिया में, एंड उनका क्राउड का रिएक्शन, क्राउड का एटमोसफेयर पर उसके ऊपर क्या कहना है वो बात करेंगे। एंड भाई यहाँ पर इंडोनेशिया रुके नहीं जा रही भाई, एक बार अर्जेंटीना के साथ मैच खेल लिया और अभी उनको खेलना है पोर्चुगल, दैट इज रोनाल्डो के साथ खेलना है मैच। ये तीनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वाली वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं हमारा बिगेस्ट टेस्ट ठीक है, इंडिया वर्सेस क्वेट भाई। बात करेंगे अभी जो जीता वो टॉप स्पॉट लेगा एंड ही विल इमर्ज एज अ ग्रुप विनर्स। तो अगर मुझे बात करोगे तो एज अ इगोस्ट मैच, यस प्लेयर को चांस देना इंपॉर्टेंट है, बट मैं कल के आज के ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि आज हमारी टीम एकदम प्रॉपर मेन लाइनअप के साथ जाए। तो अगर आप लाइनअप के बारे में बात करोगे तो लाइनअप के बारे में बात करें तो गोलकीपर में तो जैसे कि मैंने बोला गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, दोनों में से कोई भी चलेगा, बिकॉज यू नो दोनों ने ये दिखाया, अमरिंदर ने भी ये दिखाया कि भाई जब भी मैं करता हूं तो मैं अच्छा करता हूं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता गुरप्रीत सिंह संधू एंड हमारा अमरिंदर सिंह। राइट बैक पे मैं निखिल पुजारी के साथ ही जाऊंगा, दो हमारे सेंटर बैक फिर से आ जाएंगे भाई, संदेश झिंगन एंड अनवर अली द रॉक एट द बीस्ट। लेफ्ट साइड पे मैं आकाश मिश्रा को नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पर कोई लोग क्रिटिसाइज करेगा तो बोलेंगे भी क्या कर रहा है, बट आई स्पेशली मैं चाहूंगा कि यहाँ पर इसमें क्या उसको लेफ्ट बैक पे ये सुभाषीष बोस खेले, ये मेरा चॉइस है, आप लोग का आकाश मिश्रा भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं मिडफील्ड के ऊपर, तो मिडफील्ड में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारे मिडफील्ड ऑप्शन ट्राई आउट कर दिए, बट हमें एक अच्छा एक बोल सकते हैं कि ये तीन मिडफील्ड प्लेयर्स के अलावा और कुछ मिला नहीं है। दैट्स व्हाई मैं जा रहा हूँ सहल थापा एंड जिक्सन के बारे में। जिक्सन आप सभी को बताया ही ब्रिंग्स इन दैट स्टेबिलिटी जो नेपाल के साथ जब भी सब्स्टिट्यूट करके आया था तभी वो आया, मतलब तभी वो स्टेबिलिटी आई थी। दैट्स वाई जिक्सन, मुझे लगता है कि जिक्सन परफॉर्म करेगा एंड उसका ऑब्वियसली मैंने जितने मैचेस देखे वो 8/10 मोस्ट प्रोबेबली 8/10 परफॉर्मेंस देता ही है, तो होपफुली कल भी और अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। थापा के लिए यहाँ पर मुझे बुरा लग रहा है बिकॉज हर एक मैच वो कंप्लीटली खेलता 90 मिनट्स, तो होपफुली कल का मैच भी वो एकदम फुल स्ट्रेंथ से खेले एंड वो इंजर्ड ना हो, बिकॉज दैट्स ही इज द मेन प्लेयर, ही इज अवर मेन प्लेयर। एंड अगर बात करें आगे सहल को मैं खिलाना चाहता हूँ एंड सहल से मैं एक चीज एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई मतलब ज्यादा थिंग्स को कॉम्प्लिकेट मत कर, ठीक है, ज्यादा थिंग्स को कॉम्प्लीमेंट मत कर। हाँ यहाँ पर बोलना आसान है, बट स्टिल मतलब अगर आप एज अ फैन पर्सपेक्टिव बोलोगे तो मैं वही चाहूंगा कि जो सिंपल दिख रहा है वही कर, ज्यादा थिंग्स को कॉम्प्लीमेंट मत कर। हाँ ठीक है, अगर तू ड्रिबल करता है, एक्स्ट्रा ड्रिबल करता है फिर तो अभी तू फॉल जीतता है तो फिर एक वो एक अलग बात है, बट अगर फालतू में तू ड्रिबल कर रहा है देन तेरे प्लेयर ने बॉल छीन लिया, अपोनेंट प्लेयर ने बॉल छीन लिया तो उसका कोई मतलब नहीं। सो दैट्स व्हाई अगर सिंपल पास मिल रहा है तो सिंपल पास दे एंड अगर कुछ नहीं मिल रहा तो तेरे ऊपर है। तो बस होपफुली कल एक अच्छा परफॉर्मेंस एंड जब भी उसको फिनिशिंग मिले, बिकॉज उसने दोनों मैचेस में अच्छा फिनिशिंग नहीं किया। बात करेंगे हमारा फॉरवर्ड के बारे में, तो भाई सुनील शेट्टी सर विल स्टार्ट यहाँ पर चांगटे नो डाउट, एंड जैसे कि मैंने बोला था नेपाल के साथ भी मैंने बोला था कि भाई मैं महेश को स्टार्ट करूंगा, तो आई विल स्टार्ट महेश एंड चांगटे द टू विंगर्स बिकॉज देखो आई डोंट केयर अबाउट द फिजिकलिटी, चांगटे तो फिजिकलिटी दिखा देगा, अभी यहाँ पर बोलते हैं कि महेश फिजिकलिटी नहीं दिखाता है, आई डोंट केयर अबाउट द फिजिकलिटी बिकॉज वो अपने दम पे अपना स्किल्स करेगा एंड ही विल बी इन टॉप नॉच फॉर्म। तो मैं चाहता हूँ महेश चांगटे एंड सुनील शेट्टी सर, बिकॉज ये तीन अगर देखो ये तीनों में ना एक कोऑर्डिनेशन दिखता है, चांगटे और सुनील शेट्टी सर का तो ब्रिलियंट है, लेकिन महेश और छेत्री सर का भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई ये मेरी लाइनअप होगी एंड मैं चाहता हूँ कि भाई राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, सेकंड हाफ से नहीं, स्टार्टिंग से अच्छा खेले, सो दैट सेकंड हाफ में हम तो थोड़ा डेस्परेट ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हाफ में अच्छा करते हैं, सेकंड हाफ में गंदा करते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम फर्स्ट हाफ से अच्छे से खेले एंड यू नो लेट्स होप भाई क्यूएट बिकॉज डिफिकल्ट मतलब क्या हो जिसको क्वेट इजी नहीं देखे भाई, क्वेट ने यूएई को हराया, बैरन को हराया, वो एक टाइम एशियन टाइम चैंपियंस भी हो चुके हैं, उन्होंने क्वालिफाई भी किया था वर्ल्ड कप के लिए, तो दैट्स व्हाई वही कि उनका फेडरेशन की वजह से वो लोग बैन हो गए दो बार फीफा की तरफ से एंड उनका रैंकिंग नीचे गिरा। बट भाई जो रैंक देख रहे हो ना तो वैसा मत देखो भाई, क्योंकि उनका जो क्वालिटी ना बहुत खतरनाक है। तो अगर मैं प्रेडिक्शंस के बारे में बात करूं तो आई वांट दैट क्लीन शीट, बिकॉज मेरे लिए क्लीन शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जाऊंगा 2-0 या तो मैक्स 1-0 बिकॉज इट विल बी टफ, मतलब इट विल नॉट बी द वॉक इन द पार्क, ठीक है, तो हलवा नहीं होगा, वी हैव टू बी रियली पॉइंट बोला 2-2 जाना पड़ेगा एंड हमारा एक गेम दिखाना पड़ेगा। तो मेरा प्रेडिक्शन से 1-0 या 2-0, आपका क्या प्रेडिक्शन से डू लेटेस्ट मैंने चैट सेक्शन। बात करेंगे अभी ओटीएस खान के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ओटीएस खान से आज इंटरव्यू मतलब उसका वो रिपोर्ट आया,
तो उसके उससे पूछा पूछा गया था भाई कि व्हाट इज इट टू बी प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द ह्यूज क्राउड. उसने बोला भाई इट्स लाइक एंटरिंग अ लायंस डेन. कब बोल सकते कि भाई लायन के किले में या तो लायन का पूरा इलाका में खेलने खेलते हो वैसा लगता है, जैसे कि आपने बोला था. एंड उसने ये भी बोला था कि नो मैंने इंग्लैंड में 30,000 फैंस के बोलो ना 30,000 फैंस के सामने खेला है, बट यहाँ पर जब भी मैंने इंडिया से पाकिस्तान गेम खेला तो वहां पर है ना भाई ये जो 30,000 है ना 30,000 ही साउंड कर रहे थे 60,000 फैंस के. तो भाई आप बोल सके जो जो कांति विराज स्टेडियम में जो जो गए थे इंडिया से पाकिस्तान में वहां पर उन्हें बुंड मार दी भाई, बिकॉज इतना फैन का ना इतना एटमोसफेयर खतरनाक था. तो दैट्स वाई प्लेयर ने ओटिस खान ने ऐसा बोला. एंड उसने ये भी बोला था ऑब्वियसली भाई पाकिस्तान के तो फैन तो दिखने नहीं वाले थे उस दिन बैंगलोर में, तो वो तो हो ही था. तो दैट्स वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट यार एक जो टॉकिंग पॉइंट है वो ये कि भाई इट्स लाइक टू बी एंटरिंग इन लायंस डेन. अब बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में. भाई इंडोनेशिया अर्जेंटीना से मतलब कल उसको गेम खेल के फिर फ्रेंडली खेल के पेट नहीं भरा, तो अभी टारगेट कर रहे भाई इसमें कल जिसको पोर्चुगल के बारे में. तो उनका जो प्रेसिडेंट है वो ट्राई कर रहा है मतलब वो ट्राई कर रहा है थ्रू क्या जिसको जो एम्बेसडर है ना क्या जिसको एम्बेसी या तो एम्बेसडर जो इंडोनेशिया का, तो उनसे ट्राई कर रहा है कि भाई कैसे ना कैसे कांटेक्ट कर सके पोर्चुगल के बाद एंड एक फ्रेंडली खेला जाए फीफा फ्रेंडली डे में मतलब फीफा फ्रेंडली में उनके साथ फ्रेंडली खेला जाए. तो भाई मतलब क्या होता है अगर हो गया, देखो अगर हो जाता तो अच्छी बात है भाई इंडोनेशिया के लिए अच्छी बात है, हमारा तो कुछ होगा नहीं. बट यार देखते कि ये होता है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे ये जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया फुटबॉल फेडरेशन के नईमुद्दीन कुछ तो अमाली ऐसा कुछ तो नाम है उनका, तो ये ट्राई कर रहे हैं. देखते क्या होता है भाई, आप लोगों को क्या लगता है ये इंडोनेशिया पोर्चुगल होगा या नहीं होगा, डू लेटेस्ट मुझे चैट सेक्शन. एंड जी दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो एंड करेंगे. आपके क्या थॉट्स है भाई आज के मैच में जरूर मुझे बताना. एंड आज हम लोग सब देखेंगे 7:30 बजे राइट एकदम, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना वॉच लॉन. एंड जी दोस्तों मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा. बाय, टेक केयर. एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को.